अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्राइम न्यूज़ के साथ मैं हूं हुमा शेख और मैं हूं राबिल अशरफ। सबसे पहले हेडलाइंस। और सबसे पहले बात करेंगे रिवायती दुश्मन भारत की, जिसने तमाम तर सिफारती आदाब की एक मरतबा फिर धज्जियां उड़ाकर रख दी। नई दिल्ली में पाकिस्तानी सिफारतकारों को हिरासत करने के अमल का फिर से आगाज कर दिया गया। नई दिल्ली में पाकिस्तान नाजिमुल उमूर सैयद हैदर शाह की गाड़ी का रास्ता बार बार भारतीय हुकाम की जानिब से रोका गया। पाकिस्तानी सिफारतकार से घर जाते हुए बदतमीजी भी की गई, फुटेज मंजरे आम पर आ गई। खते में अमन का दुश्मन वियना कन्वेंशन बराए सिफारती तालुकात की खिलाफ वर्जियों पर उतर आया। अजब करप्शन की गजब की कहानी, डिप्टी कमिश्नर वेस्ट ने सबको मात दे डाली। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के बाद डीसी वेस्ट के हाथों मुतासर शख्स सज्जाद राजपर ने भी एंटी करप्शन को खत लिखकर शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया है। सज्जाद राजपर कहते हैं, डीसी फयाज सोलंगी और इनकी टीम ने मुख्तलिफ मकामात पर जमीन अलॉट करने के बाद इससे करोड़ों रुपए वसूल किए। मजीद तफसीलात प्राइम न्यूज की इस खसूसी रिपोर्ट में। गुलशन मेवार हाउसिंग स्कीम से मुत्तसिल 40 करोड़ मालियत की एराजी पर मुबैना सरकारी सरपरस्त में कब्जे के बाद जमीनों की बंदरबांट का भांडा फूट गया। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आबाद के बाद सज्जाद हैदर राजपर नामी शख्स ने भी चेयरमैन एंटी करप्शन को खत लिख दिया। सज्जाद राजपर के मुताबिक पहले इसे 3 करोड़ के एवज अब्दुल रहमान बरूई कोर्ट में 15 एकड़ अराजी अलॉट की गई, जो बाद में कैंसिल कर दी गई, जिसका मुकदमा अदालत में जेरे समात है। अब्दुल रहमान बरूही गोड में काम बंद कराने के बाद जिला गर्मी इंतजामिया ने इसे 2 करोड़ के एवज मंगूपीर में 25 एकड़ अराजी अलॉट की, इस पर भी काम बंद कराने के बाद 36 एकड़ अराजी देहा मालकानी में देने की पेशकश करके फार्म 11 दिया और फिर से काम रोक दिया। कागजात की जांच पड़ताल के बाद मालूम हुआ कि ये तमाम कागजात जाली हैं। सज्जाद राजपर का कहना है कि जिला गर्मी के डिप्टी कमिश्नर के मोबाइल मैसेजेस और दीगर दस्तावेजात इसके पास मौजूद हैं, जो कानूनी कार्रवाई के लिए किसी भी अदालत या महकमे को पेश करेंगे। सज्जाद राजपर का कहना है कि सरकारी अराजी की अलाटमेंट पर इससे करोड़ों रुपए वसूल करके जिला वस्ती इंतजामिया ने खेल खेला है। शिकायत कुनिंदा ने इस जमन में फौरी तौर पर महकमा एंटी करप्शन के चेयरमैन से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद चीन से तजावुज कर गई। मुल्क भर में अब तक आज मजीद 61 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मुल्क भर में अमवात की तादाद 1790 हुई। अब तक सिंध में 575, पंजाब में 607, खैबर पख्तूनख्वा में 500 अफराद जान बाग हो चुके हैं। वजीर आला सिंध ने मूजी वायरस के बढ़ते केसेस पर आवाम से फिर घरों पर रहने की अपील कर दी। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं, कराची समेत सिंध भर में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 33,500 से तजावुज कर चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 1650 से जायद मरीज मंजरे आम पर आए हैं। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं, गुज़िश्ता 24 घंटों में 8,390 टेस्ट किए गए। कराची पुलिस के जवान तेजी से मूजी वायरस की लपेट में आने लगे। फ्रंट लाइन पर खड़े 6 अफसरान और जवान वायरस से जां बहक हो गए, जबकि 250 से ज्यादा एहलकारों में वायरस की तस्दीक हो गई है। एडिशनल आईजी सिंह कहते हैं, आवाम की जान माल की हिफाजत के लिए हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार है। AIG कराची की हिदायत पर सेहतियाब अफसरान और एहलकारों की जानिब से प्लाज्मा अतिया देने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं, GIT के अहम गवाह उजैर बलोच की जान को खतरा है, सिक्योरिटी रेंजर्स के हवाले की जाए। वफाकी वजीर का अपने ट्वीट में कहना है कि उजैर बलोच ने बासर सियासतदानों और पुलिस अफसरान के नाम लिए हैं, जो गैंग वॉर का हिस्सा रहे या उन्होंने इससे फायदा उठाया। कराची स्टील मिल से 9,000 से ज्यादा मुलाजमीन की बरतरफी का मामला, मुतासरीन सरापा एहतजाज बन गए। स्टील मिल मुलाजमीन ने नेशनल हाईवे पर धरना देते हुए ट्रैफिक की आमदोरफ्त को मुअत्तल कर दी। नेशनल हाईवे के दोनों ट्रैक पर बदतरीन ट्रैफिक जाम हो गया। इंतजामिया ने मुज़ाकरात के बाद एहतजाजी मुलाजमीन का धरना खत्म करा दिया।